नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कैलाश और आप देख रहे हैं सीमा इलेक्ट्रिकल्स। दोस्तों आज मैं आपको ओरिएंट कंपनी का टेबल फ़ैन रिपेयर करके दिखाऊंगा। तो फ्रेंड इसमें कमी क्या है, ये चलते चलते जाम हो जाता है। तो इसकी अंदर जो है इसके बुश ख़राब है, तो इसके बुश हमें आज बदलने हैं। तो इसमें फ्रेंड्स मोटर इसकी मैं खोल करके डायरेक्ट आपको वीडियो दिखाता हूँ, क्योंकि खोलने में इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वरना वीडियो लंबा होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं मैंने जो मोटर जो है स्टैंड के अंदर से निकाल ली है, सिर्फ हमें इस मोटर का काम है। तो आइए इसको सबसे पहले खोलते हैं। फ्रेंड्स खोलने के लिए सबसे पहले जो आपको करना होगा, ये फ्रेंड्स ये देख सकते हैं मैंने काला सा निशान जो लगा लिया, हमें सेटिंग इसी प्रकार करनी है। और एक मैंने गेयर बॉक्स पे पीछे लगा लिया है, ये देख सकते हो आप, ये और ये वाला। और इसको फ्रेंड्स अब हमें खोलना होगा। तो खोलने के लिए क्या है फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसका ये जो गेयर बॉक्स खोलेंगे, ये नट दिख रहे हैं आपको पेच, इसे हम खोल लेंगे। और इसका एक एक पेच संभाल करके अच्छी तरीके से रखना है फ्रेंड्स हमें। कैपेसिटर की वायर फ्रेंड्स ये देख सकते हो लगी हुई स्लिप है इसके अंदर, मैं इसको भी हटा लूँगा। तो ये देख सकते हो फ्रेंड्स गियर बॉक्स हमारा अच्छी तरीके से खुल चुका है। फ्रेंड्स वायर अगर आपको खोलने हो पंखे में से, तो उसका अच्छी तरीके से फ़ोटो खींच लेना है, जहाँ पे जो उनसा वायर लगेगा वहीं पर लगना चाहिए। फ्रेंड्स अब इसको जो है ये वाले चार पेच देख रहे हो, ये नट इसको खोल लेंगे हम, बुश बदलने के लिए खोलना पड़ता है। तो फ्रेंड देख सकते हो मैंने चारों जो मेन वाले पेच थे वो खोल दिए हैं। अब हमें करना क्या है फ्रेंड्स, ये वाला पीछे वाला कवर आराम आराम से ये देख सकते हो इस तरीके से हटा लेना, हमें वायर वगैरह खींचे ना, वायरों का हमें ध्यान रखना है अच्छी तरीके से, कोई भी खींचे ना सावधानी पूरी। तो ये देख सकते हो एक कवर हमारा ये निकल चुका है और दूसरा मैंने ये निकाल लिया है। फ्रेंड्स मोटर हमारी बिल्कुल सही है, हमारा पंखा बिल्कुल जो है वर्क में था, खाली जाम था, तो मोटर से हमें कोई काम नहीं है। तो इसको हम रख देंगे साइड में। इसके अंदर देख सकते हो ये लॉक लगा हुआ है, इसको हम निकाल देंगे। निकाल दिया मैंने फ्रेंड्स, ये मेरी शाफ्ट जो इसके अंदर से निकाल लेंगे बाहर। तो फ्रेंड बुश कौन सा ख़राब है ये देख सकते हो, मेरा पीछे वाला बुश ख़राब था। तो फ्रेंड देख सकते हो पीछे वाला बुश हमारा जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है, इतनी तगड़ी प्ले है इसके अंदर ये देख सकते हो। और आगे वाला मैं चेक करके दिखाऊँ फ्रेंड्स आपको, तो ये देख सकते हो फ्रेंड्स ये जरा सी भी इसके अंदर प्ले नहीं है। हमारे कवर के साथ जो है हमारा रोटर जो है, रोटर भी साथ में हिल रहा है, अलग से हमारा रोटर नहीं हिल रहा है। तो ये आगे वाला बुश हमारा सही है, हम चाहें तो फ्रेंड इसको भी बदल सकते हैं, लेकिन मैं इसको बिना बदले आपको चला करके दिखाऊँगा फ्रेंड्स। और ये फ्रेंड देख सकते हो ये हमारी शाफ्ट है, शाफ्ट देख लेंगे कटी तो नहीं है, हालांकि ये तभी पता चलेगा जब हम नया बुश इसमें लगा लेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड पीछे वाला कवर मेरा ये वाला है, तो इसमें जो फ्रेंड्स हमें बुश चेंज करना होगा। तो बुश चेंज करने के लिए एक अंदर पत्ती दिखाई दे रही है फ्रेंड, मैं जूम करके दिखाऊँ आपको। तो ये देख सकते हैं ये वाली पत्ती जो हमें निकालनी पड़ेगी इसके अंदर से। तो उसे निकालने के लिए फ्रेंड्स हमें जो है ये पेचकस की मदद से जो है इसको हल्का प्रेस ढीली करनी होगी, पत्तियाँ हमें जो है एक तरफ से हमें खींचनी पड़ेगी, इसको बहुत ध्यान से निकालना पड़ता है फ्रेंड्स। ये देखिए मेरी निकलने वाली है, एक तरफ से मेरी उठ चुकी है और वहीं से मैं पेचकस डाल दूंगा फ्रेंड्स। तो ये देख सकते हो फ्रेंड्स मेरी जो पत्ती निकल चुकी है, बुश का नमदा ये देख सकते हो अलग हो चुका है, बुश देख सकते हो फ्रेंड्स ये मेरा हाथ में आ चुका है। अब नया बुश मैं ले लूँगा और यहाँ पर मैं लगा दूंगा। फ्रेंड देख सकते हो मैंने नया बुश ले लिया है, पुराना वाला हमारा ये है, पुराने को हम कर देंगे साइड। तो सबसे पहले फ्रेंड इसके अंदर जो हमें थोड़ी कर लेनी होगी अच्छी तरीके से सफाई, साफ्ट पे भी अच्छी तरह से कपड़ा मार देंगे हम, जरा सी भी गंदगी ना रहे। तो फ्रेंड अब लगा लेते हैं बुश हम इसके अंदर। तो बुश देख सकते हो फ्रेंड्स मैंने रख लिया है, अब इसके अंदर से मैंने ये नमदा इसे बोला जाता है इस रुई को, ये ले लिया है, ये इसके अंदर दबा देंगे। अब जो ये लॉक था फ्रेंड्स यहीं पर रख देंगे हम एकदम बराबर। तो फ्रेंड ये सारा सामान लगाने के बाद हमें जो पाइप इस तरीके से रखना है और थोड़ी सी देना है ठोक इसको।
फ्रेंड ये देख सकते हो मेरा बूथ जो अच्छी तरीके से ठुक चुका है, देख सकते हो अब चारों तरफ से हमारा अंदर घुस चुका है। अब फ्रेंड इसमें करना होगा क्या, हमें डालना होगा मोबिल ऑयल, ये देख सकते हो मोबिल ऑयल जो पूरी अच्छी तरीके से डाल देना है। जो इसके अंदर रुई थी फ्रेंड्स वो नमदा, उसको वो अच्छी तरीके से गीला हो जाना चाहिए। तो फ्रेंड मेरे बुश के अंदर जो तेल अच्छी तरीके से जा चुका है, आइए मैं इसे शार्पट डाल करके चेक कर लेता हूँ। फ्रेंड्स ये देख सकते हैं मैंने जो शाफ्ट डाल दी है और इसके अंदर अब इधर उधर हिला करके देखेंगे तो देख सकते हैं फ्रेंड्स बिल्कुल भी प्लेन नहीं है, इसके अंदर बाल बराबर भी प्लेन नहीं है। तो इसी तरीके से हमारे बुश रहने चाहिए, देख सकते हो मेरा हाथ साथ में घूम रहा है, ये देख सकते हो अब जरा सी भी प्ले नहीं है इसके अंदर। तो इसी तरीके से हमारा बुश शार्पट सेट होना चाहिए, अगर प्ले रहेगी तो फ्रेंड जो जल्दी ख़राब हो जाएगा हमारा। और आगे वाला मैंने आपको दिखाया ही था पहले, ये देख सकते हो इसके अंदर तो प्ले पहले से ही नहीं थी, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। तो इसके अंदर भी जो आगे वाला है फ्रेंड, इसके अंदर भी हम थोड़ा सा मोबिल ऑयल डाल लेंगे, ये डाल लिया फ्रेंड्स। तो आइए मोटर को सेट कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये हमारा अच्छी तरीके से बुश जो है बदल चुका, शाफ्ट बदलने की हमें जरूरत नहीं पड़ी, शाफ्ट हमारी कटी नहीं थी, तो सिर्फ मैंने मात्र इसके अंदर एक बुश बदल के काम ओके कर दिया है। तो आइए मैं इसे सेट कर देता हूँ। तो फ्रेंड अब इसकी करनी होगी हमें सेटिंग, बुश वगैरह हमारे बदल चुके हैं, शाफ्ट हमें बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स ये मैं रोटर जो देख रहे बुश के अंदर डाल लूंगा, क्योंकि हमारी जो मोटर जो है आगे से खुली हुई थी, ये देख सकते हो इस प्रकार से, और हमें जो है निशान जो अच्छी तरीके से मिला लेने हैं। तो फ्रेंड देख सकते हो मैंने निशान से निशान यहाँ पर मिला लिया है, ये हमारा निशान ये रहा। अब दूसरा पीछे वाला कवर हमें लगाना, तो उसको लगाने के लिए इस सावधानी से हम तारे जो है सबसे पहले इधर से निकाल लेंगे, ये देख सकते हो सारी वायर जो है हमें टाइट करके पीछे ले लेनी है। हल्का सा इसको एक बार चोट मार करके ये रोटर घुमा करके देख लेंगे, हमारा ये बिल्कुल अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है, कहीं जाम नहीं है। अब जो है सबसे पहले हमें क्या है, ये जो बड़े वाले पेंच है इसको कस देने पड़ेंगे इसके अंदर, तो चारों पेंच मैं कस लूंगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड देख सकते हैं मेरे जो चारों पेंच अच्छी तरीके से कस चुके हैं। अब इसमें करना होगा फ्रेंड्स हमें जो है गियर बॉक्स की कसाई, तो गियर बॉक्स के फ्रेंड जो निशान एक छोटा सा ये है और गियर बॉक्स पे भी लगा होगा, तो ये देख सकते हैं ये रहा। तो इसको हम इसी प्रकार से जो अंदर डाल करके इसके भी पेच कस देंगे। तो फ्रेंड देख सकते हो आप मेरा गियर बॉक्स वगैरह सब चीज हो चुका है कंप्लीट, और हमारी जो शाफ्ट जो बहुत अच्छी तरीके से घूम रही है, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं सेट करने में। तो आइए मैं इसको बॉडी में फिट करके चला करके आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं मेरा टेबल फैन जो बिल्कुल बनकर हो चुका है कम्प्लीट, आइए मैं इसे चला करके दिखाता हूँ फ्रेंड्स। तो जैसे ही मैंने बटन दबाया, ये देख सकते हो ये अच्छी तरीके से फुल स्पीड में चलना लग गया, मैं कम ज़्यादा स्पीड में कर सकता हूँ फ्रेंड्स, ये देख सकते हो ये मीडियम स्पीड पे है और ये लो स्पीड पे है फ्रेंड। तो इसकी स्पीड फ्रेंड लो हो चुकी है, तो फ्रेंड मेरा ये बिल्कुल अच्छी तरीके से वर्क करने लगा। फ्रेंड अगर इसमें आपको कोई बात समझ में ना आई हो तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसका जवाब जरूर दूंगा फ्रेंड्स। अगर वीडियो आपको पूरा देखना हो आगे से मान लो, तो मैं उसको पूरा बनाने की कोशिश करूँगा फ्रेंड। वीडियो बढ़ाना हो इसलिए मैंने इसमें से बॉडी में से मोटर मोटर निकाल करके उसके पुश चेंज कर दिए। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।